ये कपड़ा लिया है हमने दोस्तों साथ बाई साथ, इसको हम ऐसे मोड़ लेंगे, इसको फिर हम एक फोल्ड करेंगे इस तरह से, यहाँ से हम ये पिन लगा लेंगे काटने में दिक्कत ना हो। अब इसको हम 2.25 पे निशान लगाएंगे इस तरह से, पूरे पे 2.25 पे निशान लगा देंगे ये, और इसको हम काट देंगे एक पैर बाहर रख के इस तरह से, ये हमने काट दिया है। इस तरह से एक पल्ला और काटेंगे, फिर 2 पल्ले काटे जाएंगे इस तरह से, इस तरह से। अब इसको हम उल्टी साइड से रख के एक पैर के मार्जिन से सिलाई मार लेंगे इसको, हम यहाँ से पलट लेंगे, यहाँ से थोड़ी जगह छोड़ दी थी हमने इस तरह से, पेचकस से इसको ऐसे कर लेंगे बढ़िया से इस तरह से। इसका जो मुंह खुला हुआ था उस पर हम सिलाई मार लेंगे इस तरह से, पूरी। अब इसी को ऐसे तोड़ेंगे, एक निशान मारेंगे सीधा इस तरह से प्लस में, एक निशान इधर मारेंगे प्लस इस तरह से, ये निशान एक यहाँ से मार देंगे, ये एक यहाँ से। अब इसको बीच में से थोड़ा सा कट कर लेंगे, थोड़ा सा कट करें ये, इसमें से हम ये डोरी डाल देंगे, डोरी डाल के अब इसके ऊपर सिलाई मारेंगे इस तरह से, इस तरह से जो जो हमने लाइन मारी थी उन सारी लाइनों पे हम सिलाई मारेंगे। इस तरह से सिलाई लग गई है सारी। अब इसको हम पलट लेंगे, इस तरह से पलट लेंगे इसको ऐसे करके, ये देखिए दोस्तों लटकन बनाना सीखे बहुत ही आसान। ये कपड़ा है 5 इंच और चौड़ाई भी 5 इंच, और ये दूसरा कपड़ा लिया हुआ है मैंने 3 इंच और ये भी 3 इंच। अब हम इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे
और फोल्ड करके इस तरह से हम इसमें सिलाई मार लेंगे। इसको हम बंद कर लेंगे ऐसे। ये इस तरह से बंद कर लेंगे। इस पर भी हम ऐसे ही सिलाई मार लेंगे ऐसे करके। ये दोनों सिलाई मार ली हैं। अब इसको हम यहाँ रखेंगे इस जगह और यहाँ से बराबर कर लेंगे कपड़े को। इसको भी हम लगा लेंगे पहले। इसको इस तरह से इसको करेंगे। इसके बाद ऐसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। यहाँ से सिलाई मार, यहाँ से सिलाई मार देंगे। ऐसे करके इसको पलट लेंगे। दोस्तों ये गुलाब का फूल बनाएंगे। इसके लिए कपड़ा लिया हमने यहाँ से 5.5 इंच। ये 5 इंच, यह है 4 इंच, इधर से ये हो गया 4 इंच। अब इस कपड़े को हम ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह से। पहले हम इस पर सिलाई मार लेंगे। डोरी रखेंगे इस तरह से। ये भी इस तरह से। यहाँ पर इतना आना चाहिए गैप। ये सेंटर में डोरी है। ऐसे करके यहाँ पर सिलाई मार लेंगे एक। इस तरह से इसको हम ऐसे काट लेंगे। ये कपड़ा लेंगे, इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। इसको हम उलट के रखेंगे थोड़ा सा ऊपर और इसको हम ऐसे करके इसमें हम पहले वो डालेंगे। इस जगह में हम चुन्नटे डालेंगे। ये इस तरह से ये काट लेंगे इसको। इसको हम रखेंगे यहाँ। इतना ऊपर इस कपड़े को भी हम ऐसे करके ऐसे कर लेंगे।
इसको हम यहाँ सिलाई मारेंगे। इसको भी हम कट कर लेंगे। इसको हम सुई से इस तरह से टांके मारेंगे ऐसे करके खींच के इसको टक्का कर लेंगे ऐसे खींच के बांध लेंगे। ये देखो लटकन बन गई हमारी कंप्लीट हो गई इस तरह से।